हे एवरीवन, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन जो कि सभी टूरिस्ट की लिस्ट में डेस्टिनेशन में जरूर होता है, मनाली। और ये जगह अपने आप में ही काफी खूबसूरत है क्योंकि यहाँ की स्नो केप माउंटेन्स, एडवेंचरस पासेस और बहुत सारे वाटरफॉल्स और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर और मॉनेस्ट्रीज हैं जो कि आप यहाँ आपको काफी मेसमराइज करने वाले हैं। तो मनाली बहुत ही खूबसूरत जर्नी पे हम चल रहे हैं और आपको सभी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाले हैं कि अगर आप मनाली का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कैसे आ सकते हैं, कहाँ को स्टे लेना है, क्या बजट होगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बजट क्या होगा वो मैं क्लियरली आपको बताऊंगी। और ये 3 डेज की आइटिनरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि लाइक डे 1 में आप क्या कैसे एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे अच्छी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काफी कम बजट में ये डिटेल्स आपको आप एक्सप्लोर कैसे कर पाए वो शेयर करूंगी। तो जल्दी से चलते हैं बिकॉज हमने रिसेंटली मनाली काजा स्पीति ट्रिप लिया, तो इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे डली हुई है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं बिकॉज मनाली टू काजा आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीनिक एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग रूट है। रोहतांग पास की भी वीडियो हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं रिसेंट अपडेट्स के लिए। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं सो दैट आप अगर प्लान कर रहे हैं, बिकॉज मनाली तो सभी जाना चाहते हैं, तो अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन और सबसे बड़ी बात काफी कम बजट में, क्योंकि जो ज्यादा घूमते हैं उनके लिए बजट कम होना इज ए ब्लेसिंग बिकॉज वो बहुत सारी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मनाली। 50 डिग्री टेम्परेचर से फ्रीडम -5 में वो भी फुल ऑफ स्नो, तो वो मिलेगी आपको यहाँ। हमारे बैक में अटल टनल, रोड पे ट्रैफिक और यहाँ पे टूरिस्ट का क्राउड, इतना रश होता है ना। वेलकम टू रोहतांग पास। अगर हम वेदर की बात करें तो काफी प्लेजेंट वेदर है, रिवर फ्लो काफी ज्यादा है, मस्त नीचे चलते हैं बैठते हैं थोड़ा। वेज बिरयानी काफी हेल्दी लग रहा है अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू रीच मनाली। तो मनाली पहुंचने के लिए आपके पास सबसे जो इजीएस्ट वे है वो है बाय बस। आप दिल्ली से अगर कश्मीरी गेट से भी, या फिर मैं 2-3 जगह आपको स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, वहां से आप डायरेक्ट बसेस ले सकते हैं, आप ऑनलाइन बुक करके भी जा सकते हैं। और काफी अच्छी प्राइवेट वॉल्वो बसेस जो कि अगर आप सही टाइम से बुक करेंगे, एडवांस में बुक करेंगे, तो अराउंड 600-700 की रेंज में भी आपको मिल जाएंगे इवन ड्यूरिंग पीक सीजन, बट आपको एडवांस बुकिंग करनी है। और अगर बाय फ्लाइट आप जाना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा वो है शिमला, बट शिमला के लिए बहुत कम फ्लाइट मिलती है, फ्रिक्वेंसी काफी कम है फ्लाइट की, तो आप चंडीगढ़ भी जा सकते हैं बाय फ्लाइट। उसके बाद आप टैक्सी या फिर बस, अगर आपका बजट कम है तो आप डायरेक्ट बस लेके ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि अब हम मनाली पहुंच गए, तो मनाली में हमें स्टे कहाँ करना चाहिए। मनाली मॉल रोड सबसे ज्यादा फेमस एरिया है स्टे के लिए, यहाँ होटल्स भी काफी अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे। ड्यूरिंग पीक सीजन आपको काफी हाई प्राइस मिलने वाला है, बट मैं कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे बताने वाली हूँ जहाँ आप ड्यूरिंग पीक सीजन भी अराउंड 1500-2000 में भी अच्छा एक स्टे ले सकते हैं। और अगर हम बात करें, अगर प्राइवेट व्हीकल से आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मॉल रोड से थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेने की कोशिश करें, जो होटल अपना बुक करें, बिकॉज मॉल रोड काफी ही क्राउडेड एरिया है, तो उधर आपको पार्किंग तो मिलने से रही पार्किंग का इशू होगा और डेफिनेटली आपको ट्रैफिक का काफी ज्यादा लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो आप अगर पर्सनल व्हीकल्स है तो अवॉइड करें, मॉल रोड से थोड़ा सा हटके आप ऑप्ट करें अपने स्टे को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मनाली में हमें क्या क्या एक्सप्लोर करना है। तो डे 1 हम निकल जाएंगे सबसे एडवेंचरस ट्रिप पे जो कि है रोहतांग पास। वेलकम टू रोहतांग पास, दैट इज मनाली। और आज हम आए हैं, जून का मंथ है और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू क्या अमेजिंग, स्नो का केप माउंटेन्स, बहुत ज्यादा स्नो नहीं है ट्रूली स्पीकिंग, बट यस फॉर योर एंजॉयमेंट काफी अच्छी स्नो है, आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर हम देख सकते हैं काफी लोग उधर नीचे भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग जून और जुलाई, अब जैसा कि हमें पता है रोहतांग पास जो कि 13,000 फीट की हाइट पे है ये लोकेशन, और ये एक्चुअली काफी डिमांडिंग लोकेशन है बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ आप कुछ ही मंथ्स, लिमिटेड मंथ्स ही इसकी रूट्स ओपन होते हैं, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग क्यों, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए ओपन होता है और बहुत ही सीनिक ब्यूटी के लिए अपना जाना जाता है ये, तो ये सभी टूरिस्ट आना चाहते हैं लाइफ टाइम में, वन टाइम तो ये
विजिट करने वाली प्लेस जरूरी जरूरी है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। तो रोहतांग पास अगर आप विजिट करना चाहते हैं दिस समर, बिकॉज इसको अगर विजिट करने का बेस्ट टाइम की बात करें तो जून टू अक्टूबर, उसके बाद ये रूट्स क्लोज हो जाते हैं। तो हम नाउ बात करते हैं कि इस ट्रिप को हम कैसे काफ़ी बजट में कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट लोकेशन इसको मानी जाती है बिकॉज ऑफ रोड क्लोजर्स। अभी तो ओपन है तो अक्टूबर तक ओपन रहेगी, फ्रेश स्नोफॉल आपको मिल जाएगी अक्टूबर के टाइम में। तो हम आज जो हम जिस पैकेज के थ्रू आए हैं वो है HPTDC की पैकेज, जिसका अमाउंट है सिर्फ 700 पर पर्सन, और ये काफ़ी अच्छी डील है। HPTDC की बस से पैकेज से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं क्या चार्जेस है, क्या लोकेशन है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे बुक करें और कौन कौन से पैकेज आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो एक अमेजिंग सा सीक्रेट वाटरफॉल, जो कि आपको मिलने वाला है मनाली टू रोहतांग रोड में कोकसर के नियर बाय आपको मिलेगा ये, और इस प्लेस को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो रोहतांग पास को काफ़ी कम बजट में आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं वो जस्ट मैंने बताया कि आप HPTDC का जो बस टूर पैकेज है, 1-day टूर पैकेज आप ले सकते हैं, जिसके रिलेटेड कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं सब कुछ बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ मैं आपको बस बता रही हूँ कि आप वो वीडियो चेकआउट करें जिसमें कि HPTDC टूर पैकेज का कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, जो कि पर पर्सन 700 चार्जेस है। तो अगर कोई कपल है या सोलो ट्रैवलर उनके लिए बेस्ट है, बिकॉज अगर आप टैक्सी हायर करेंगे मनाली टूर रोहतांग पास के लिए तो आपको 3,000-4,000, जो कि मैं बहुत कम चार्ज बता रही हूँ, वो आपको उतना पे करना पड़ सकता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट डे वन में। तो जब हम मनाली से रोहतांग के लिए जाते हैं तो इन बिटवीन रूट ही सोलांग वैली आती है, तो जाने टाइम में या तो आप सोलांग वैली अगर एक्सपीरियंस करते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज रिटर्निंग में इन इवनिंग काफ़ी अच्छी वाइब होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पैराग्लाइडिंग, तो जो लोअर हाइट की पैराग्लाइडिंग होती है वो पर पर्सन 2,000 चार्जेस आपको पे करने होंगे, और जो हायर हाइट्स की अगर आप लेते हैं पैराग्लाइडिंग तो 3,000 चार्जेस पर पर्सन आपको पे करने होंगे। ड्यूरिंग समर ये काफ़ी हैपनिंग प्लेस है किड्स के लिए, तो और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है यहाँ पे जो कर सकते हैं। अगर हम विंटर की बात करें तो ये कम्प्लीटली स्नो फील्ड हो जाता है, और यहाँ पे स्की, एडवेंचरस, बहुत सारी ATV राइड्स और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है जो आप यहाँ कर सकते हैं। अभी समर में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। नेक्स्ट है आप इन रिटर्न मॉल रोड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज मॉल रोड ऑल टाइम एवरग्रीन प्लेस है, यहाँ पे आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। साइड बाई साइड बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि रश कितना ज़्यादा है, बहुत भीड़ है, बट हाँ मज़ा आ रहा है। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि ऑप्शंस बहुत सारे फूड के हैं, और टैटू करना चाहते हैं, गेम सेक्शन वगैरह है, आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप आते हैं तो होटल तो वैसे बहुत ज़्यादा है, बट मनाली मॉल रोड में होटल्स आपको काफ़ी कॉस्टली मिलेंगे, तो होटल की रिगार्डिंग भी हम अपने चैनल पे आपको एक वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि सही बजट में आप, बहुत कम बजट तो मैं नहीं कर सकती, बट सही बजट में आप एक अच्छी प्लेस है, अच्छी जगह है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मूव करते हैं डे टू। तो डे टू की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत जगह मनाली मॉल रोड पे है, एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, जिसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल जगह है, और यहाँ से रिलेटेड एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपको शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपका काफ़ी बजट बचने वाला है। तो इस जगह पर जाके आप जो बुद्धा जी का स्टैचू है, जो वहाँ उनके दर्शन कर सकते हैं, कुछ देर शांति से बैठ सकते हैं, और बहुत ही अच्छी एक पीसफुल शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो अब दिखाते हैं कि बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में आपकी एंट्री कैसे होगी। तो मॉल रोड से जब आप आएंगे तो आपको इस गेट से एंट्री होगी, और फिर एंट्री चार्ज कुछ नहीं है, बट फोटोग्राफी चार्ज 20 रुपीज़। हाँ, फोटोग्राफी चार्ज, जो कि अंदर जाके आप जो बुद्ध हैं उनके अगर फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो उनके 20 रुपीज़ चार्जेस हैं। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, और स्टे ऑप्शन भी यहाँ पे है 600 पर नाइट का। तो यहाँ ठीक इसके सामने बहुत सारे स्टे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे स्टे के लिए ऑनलाइन बुक आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ आपको विजिट करना होगा और फिर पता करना होगा कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रूम अलॉट हो सकता है।
नेक्स्ट प्लेस जो हमारी लिस्ट में है वो है एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर माता हिडिंबा देवी का टेंपल। माता हिडिंबा जो कि भीम की पत्नी थी उनके नाम पे ये मंदिर है और इस मंदिर के दर्शन के बिना आप कह सकते हैं कि मनाली का टूर इनकम्प्लीट है। तो आप जरूर यहाँ दर्शन करें, यहाँ जो व्यूज है बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से एक पास में ही आपको वन विहार पार्क मिलेगा। उसकी क्या एंट्री चार्जेस है, क्या क्या एक्टिविटीज आप वहाँ पे कर सकते हैं और सीनिक फोटोज वीडियोज लेने के लिए काफी अच्छी और पीसफुल प्लेस है। आगे हम देखते हैं इसका एक विंटर लुक आपको मैं शेयर कर रही हूँ। विंटर भी बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, बहुत ही सुंदर यहाँ के व्यूज होते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं। मॉल रोड से यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है वे टू हिडिंबा देवी टेम्पल और ये स्टेयर से ऊपर आके आपको ऊपर तरफ जाना है, फिर लेफ्ट की तरफ स्टेयर से चढ़ने के बाद फिर सीधा ही आपको आगे मिलेगा एक और स्टेयर जहाँ से हमें ऊपर तरफ जाना है। ठीक है, ऊपर तरफ चलते हैं। अभी काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, ऊपर तरफ चलना है हमें। अच्छी बात यह है कि मौसम अच्छा है पर जो स्टेयर से है वो काफ़ी थकाने वाला है और रश तो काफ़ी ज़्यादा है ही। अभी वॉक करते हुए 5 to 6 मिनट हो चुके हैं तो अप्रोक्स 10 मिनट चलने के बाद हम लगभग पहुंच ही गए हैं। तो ऑटो वाले आपको यहाँ छोड़ेंगे या फिर कैब वाले और यहाँ से एंट्री पॉइंट है हिडिंबा देवी टेंपल का। ये यहाँ से हम एंट्री करेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ जैसे प्रसाद हो गया, सनग्लास हो गए, टी, कॉफ़ी, मैगी, गोलगप्पे, आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे। और जो मैंने आपको ये पहाड़ी ड्रेस होता है तो इसका जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ है। तो ये जो प्राइस है वो पर पर्सन है। ये आपको प्रसाद के लिए बहुत सारे सेक्शंस मिल जाएंगे और अंदर बताया जा रहा है कि लंबी लाइन है, देखते हैं। और ये बहुत ये बच्चों के लिए अच्छी है, याक पे बैठ के आप फोटो वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके जो चार्जेस हैं वो 50 रुपीज़ हैं, 50 रुपीज़ पर पर्सन। हम अब पहुंच चुके हैं माता हिडिंबा देवी टेंपल। ये रहा शानदार नज़ारा, अभी ऊपर चल के और देखते हैं कितनी लंबी लाइन है, दर्शन कैसे करना है। तो आज संडे है और जून का मंथ है जो कि यहाँ के लिए पीक सीज़न होता है और पीक सीज़न पे भी वीकेंड, तो आप भीड़ देख सकते हैं। तो माता हिडिंबा देवी टेम्पल आप दर्शन करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे तो वन विहार पार्क है। ये इसका जो टिकट प्राइस है वो 10 रुपीज़ पर एडल्ट है और 5 रुपीज़ पर चाइल्ड है बिलो 8 ईयर्स। और यहाँ पे वही मेन ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटोज वगैरह ले सकते हैं बच्चों के लिए। हाँ, जो लोकल ड्रेस है वो आप पहन के फोटो वीडियो ले सकते हैं। रैबिट्स हैं, शिप्स हैं, ये मतलब इवनिंग के लिए, मॉर्निंग के लिए घूमने का स्पॉट्स है, फोटोग्राफी कर सकते हैं, बैठ के आप कुछ मील एंजॉय कर सकते हैं। और ये है यहाँ की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सीनिक लोकेशन ओल्ड मनाली क्लब हाउस। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जैसे रिवर क्रॉसिंग और विंटेज लुक कैफ़ेज़ और बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी की इतनी सीनिक प्लेस है कि आप यहाँ आराम से बैठ कर रिलैक्स कर सकते हैं और ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं हमारे ब्लॉग में। यहाँ पे एंट्री टिकट के लिए काउंटर है और हमने टिकट ले लिया है और अब अंदर चलते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे। तो ये जो आप सामने ब्रिज देख रहे हैं ये एक्टिविटी में आता है, उसका नाम है बर्मा ब्रिज। रिवर क्रॉसिंग जहाँ एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे ये दो ब्रिज आपको मिल जाएंगे, एक तो ये रहा और एक सामने जहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्मॉल चाइल्ड, एक बच्चा एक्टिविटी कर रहा है। दो ब्रिज है यहाँ पे। बारिश मनाली की बारिश।
अगर हम कंप्लीट करेंगे अपना डी टू और डी थ्री में, देखते हैं हम कौन सी प्लेस चल रहे हैं। तो डी थ्री में एक बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही पीसफुल जगह है मणिकरण साहिब, जहाँ की आप हिंदू एंड सिख कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। इसके लिए आप कैसे पहुँचेंगे, कैसे बजट पे पहुँचेंगे, वो भी आगे मैं आपको बताती हूँ। और ये मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, जो कि सबसे प्राचीन गुरुद्वारा है मनाली का, तो इसके लिए आपको 80 किलोमीटर का डिस्टेंस मनाली से कवर करना होगा। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये, जो कि आप चाहे तो HPTTC के टूर पैकेज से ले सकते हैं, जैसा कि मैंने रोहतांग के लिए भी बताया था। आप डिटेल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, सो दैट आपको चार्जेस एंड सभी डिटेल्स मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। और यहाँ जो सबसे यूनिक चीज़ आप देख पाएंगे वो है कि यहाँ पे नेचुरली गर्म पानी, गर्म कुंड है, वहाँ से गर्म पानी आता है, निकलता है, जिससे कि इस गुरुद्वारा का लंगर और सारा जितना भी खाने का प्रिपरेशन होता है वो यहाँ से बनता है। और यहाँ भगवान शिव के भी दर्शन आप कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो बजट के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक लिस्ट आपको शेयर की है। ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन सा मोड चूज करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप कौन सा मोड चूज कर रहे हैं। और यहाँ पे लाइक अगर आप टैक्सी पैकेज, प्राइवेट टैक्सी पैकेज लेते हैं तो आपके चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे। एक्टिविटीज अगर कुछ ज्यादा करते हैं तो एडिशनल चार्जेस हो जाएंगे। मैंने एक बेसिक आपको बजट बताया है कि अगर आप चाहें तो इतने से कॉस्ट में भी अच्छे से मनाली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस नहीं करें। तो आज की वीडियो बहुत ही मेहनत हुई, तो आज के लिए प्लीज आप वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बिकॉज मैं देखती हूँ वीडियो लाइक नहीं करते। आई डोंट नो, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करते, बट प्लीज लाइक तो जरूर करके जाए अगर अच्छी लगती है, बिकॉज फ्रॉम आवर साइड हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और चलते हैं, माहौल का थोड़ा मजा लेते हैं, मनाली की भी वीडियो जरूर चेकआउट करें। मनाली को भी हमने काफी अच्छे वे में एक्सपीरियंस किया है इस बार। सो दिस इज रवि, दिस इज प्रिया, एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव बर्ड्स ट्रैवलॉग। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस नहीं करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड एक्साइटिंग अपडेट्स। स्टे हेल्दी, स्टे शेयरफुल एंड स्टे एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस विद अस।